सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं पायल जॉन के बारे में बात करने जा रहा हूँ। उन्होंने रिसेंटली वीडियो डाली थी प्रगति वर्मा के ऊपर कि उनकी वीडियोस के ऊपर आपको पता ही होगा कि पायल होगा वो किस तरीके की वीडियोस बनाती है। तो रिसेंटली उन्होंने प्रगति वर्मा के ऊपर वीडियो बनाई थी कुछ पॉइंट्स को रखते हुए, तो हम वो पॉइंट्स की बात करते हैं एंड वो पॉइंट्स के पीछे मतलब उनका क्या कहना है उन पॉइंट्स को बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने बोला था कि प्रगति वर्मा एक चीटर है, दूसरों की वीडियोस को चीट करके बनाती है। मैडम आप कौन सी वीडियोस की बात कर रहे हो जो एक साल दो साल पहले ही डाली हुई थी? जो उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था वीडियो में वो एक बच्ची के द्वारा, मैंने वीडियो खुद देखा है, सेम उन्होंने भी बोला था वो आपने खुद वो बच्ची से कॉपी किया है। आप क्या सोच रहे हो कि आप चलाकी से निकल जाओगे, आपका नहीं पता चलेगा आपने कहाँ से कॉपी किया है? तो एक बच्चे की वीडियो जहाँ से आपने वो कॉपी करके लाइन बोली है अपनी वीडियो में, एंड आपने क्या उनकी रिसेंटली वीडियोस देखी है? कितना ज्यादा इंटरटेनमेंट फन होता है एंड उनकी खुद की बनाई हुई वीडियोस होती है। ऑल्सो आप ये बोल के क्या उनको डिफेम करना चाहते हो? आपका क्या मकसद है या आप जल रहे हो उनसे? आपका ये कहना है कितनी मतलब खराब वीडियोस बना के ट्रेंडिंग नंबर वन पे कैसे जा सकती है? तो ये सरासर आपका मतलब हो गया कि आप जल रहे हो। मैं आपको बताता हूँ ट्रेंडिंग नंबर पे क्यों गई, क्योंकि वो सबसे अलग कॉन्सेप्ट था। जो छोटा भीम वाली वीडियो थी उसके बारे में मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, वो ट्रेंडिंग नंबर वन पे गई थी क्योंकि वो सबसे अलग कॉन्सेप्ट था एंड बहुत ही ज्यादा इंटरटेनिंग था। जिस तरीके से उनकी मम्मी ने, उनकी बहन ने उस वीडियो के अंदर परफॉर्मेंस दी थी एंड वो करेक्टर निभाया था, क्या वैसे कर सकते हो? आपकी वीडियोस मिलियंस में जा रही है। मैं आपसे पूछता हूँ आपकी मिलियंस में क्यों वीडियो जा रही है? क्योंकि आप दूसरे यूट्यूबर्स का नाम ले रहे हो अपनी वीडियो में, प्लस आपकी वीडियोस में गंदगी होती है, सरासर गंदगी। आपके एक एक वीडियोस उठाकर देख लो, हर किसी के नेगेटिव पॉइंट, किसी का पॉजिटिव पॉइंट के ऊपर भी बात कर लिया करो, नहीं करनी आती आपके मतलब लाइफ में। पॉजिटिविटी का मतलब भी पता है पॉजिटिव क्या होता है? बस नेगेटिविटी बड़ी बड़ी हर एक वीडियो में नेगेटिविटी अपनी पूरी तरह से बाहर रखी हुई है। सो मैंने अभी आपकी वीडियो देखी, आपका तो गौरव जॉन के ऊपर भी वीडियो आई है, एटलीस्ट सच का तो साथ दो। आपको पता है कि डॉग की लाइफ जो थी वो रिस्क में चले गई थी वो गौरव जॉन के करके, उसने अपनी मम्मी को क्यों नहीं लटकाया बैलेंस में? सॉरी मैं ये वर्ड बोल रहा हूं, बट एक पेट लवर या डॉग लवर के लिए कितना मुश्किल था वो देखना, क्या आप समझ सकते हो कभी? सॉरी टू से उनकी मम्मी के लिए, बट आई कांट इमेजिन कि वो अपने डॉग के साथ ऐसा कर सकते थे। एंड उन्होंने कोरोना का रूल तोड़ा, बाहर जाकर बैलून्स खरीदे, 100 कोल्ड बैलून्स के लिए वो कोरोना का रूल तोड़ के बाहर गए। ये है इन्फ्लुएंसर। वो इन्फ्लुएंसर जो होता है ना वो दूसरों को सीख देता है कि आपको नहीं तोड़नी है रूल्स, वो खुद रूल्स तोड़ रहा है। एंड आपको पता है एक चीज कि ऐसी चीजें यूट्यूबर्स क्यों करते हैं? हाईलाइट रहने के लिए, अपने व्यूज को बरकरार रखने के लिए। अगर उनको लगता है ना थोड़ा सा कि उनके व्यूज डाउन जा रहे हैं तो वैसे अनाप शनाप हरकतें करते रहते हैं, आपने देखा होगा। गौरव जॉन तो मतलब उनकी यही बात है, वो करते ही रहते हैं कुछ ना कुछ शतरंगी, किसी के साथ भी उल्टा बोल के, किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा, वो इनका रोज का काम है। सो दूसरी बात आपने प्रगति वर्मा के बारे में बोली थी कि उनकी वीडियोस में बिल्कुल भी मजा नहीं होता, बिल्कुल भी इंटरटेनमेंट नहीं होती है एंड बकवास वीडियोस होती है। लाइक सीरियसली मैन, आपको ऐसे लगता है? तो इंटरटेनमेंट वाली वीडियोस क्या होती है, क्या आप मुझे वो एग्जांपल दे सकती हैं कि इंटरटेनमेंट वीडियोस क्या होती है? मुझे सच्ची ये जानना है। उनकी वीडियोस देखो ना, 10 मिनट उनकी वीडियोस में ही निकल जाते हैं, बिल्कुल ध्यान इधर उधर हो ही नहीं पाता क्योंकि इतना इंटरटेनमेंट, इतनी अच्छी स्क्रिप्ट लिखी होती है उन्होंने। बट आपके हिसाब से पता नहीं क्या इंटरटेनमेंट है, क्या जो आप वीडियोस बनाते हैं वो देख के आप लोगों को इंटरटेनमेंट कर रहे हो? लोगों में आप गुस्सा भर रहे हो, नफरत भर रहे हो, दूसरों के बारे में नेगेटिव बातें उछाल रहे हो, जो सरासर गलत है। सो इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ। छोटी सी वीडियो बस मैं रिप्लाई में बनाना चाहता था, ये सरासर गलत है नेगेटिविटी फैलाना। एटलीस्ट खुद पॉजिटिव रहो एंड अपनी वीडियोस में पॉजिटिविटी लेकर आओ, सो डैट लोगों को अच्छा फील हो। क्या आपने कभी रियलाइज किया कि आपके इतने डिसलाइक क्यों आते हैं? लाइक्स आपके 2 होंगे, डिसलाइक्स आपके 100 होंगे, कभी सोचना इस बात को। सो बाय।